और खबर मोतिहारी से है, जहां जिला मुख्यालय के छतौनी थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने जालंधर से मुजफ्फरपुर ले जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब को यहां पर जब्त किया है। जब्त शराब लगभग 1184 कार्टून यहां पर ले जाई जा रही थी, जो कि 10,512 लीटर के करीब फिलहाल आंकी गई है। एएसपी राज ने बताया है कि बिहार मद्य निषेध इकाई ने जिला पुलिस को गुप्त सूचना दी थी, जिसके आधार पर यह एक्शन यहां पर किया गया। और पुलिस के मुताबिक दो चालकों को भी यहां से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान बाड़मेर राजस्थान निवासी बाबूराम व पंजाब निवासी कनवारा राम के रूप में हुई है। पूछताछ में यहां पर स्पष्ट हो पाया है कि कंटेनर को जालंधर से लेकर आया गया था और इसे मोतिहारी के रास्ते मुजफ्फरपुर पहुंचाना था। बरामद किया गया है और इसके साथ साथ दो व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, जिसे पंजाब और राजस्थान के रहने वाले हैं। ट्रक का जो नंबर है वो राजस्थान का है, इसलिए हम लोग और इस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि यह कहाँ डिलीवर होने वाला था, फॉरवर्डर्स में और बैकवर्ड में कौन कौन से इसमें लोग शामिल थे। अनुसंधान के उपरांत इसमें जितने भी कारोबारी हैं सबको जो है चिन्हित करके हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे।